हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक भाई ने मुझे कमेंट करा, ऐसा कमेंट अभी तक नहीं आया है। आपको मैंने बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते खुद से एंड उसे डाउनलोड कैसे करते हैं। बीच में अगर आपको अपील का आता है ऑप्शन तो अपील कर सकते हो, रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, एग्जैक्ट ए टू जेड जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक मैंने बनाया है वो वीडियो। एंड उस वीडियो पे ज़्यादातर लोग यही बोल रहे कि नहीं आता है, मतलब अलग अलग कमेंट आता है। लेकिन एक भाई का मेरे पास कमेंट आया जो कि एक प्रॉब्लम है। उन्होंने लिखा है कि अगर मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाए तो उसे हम कैसे डाउनलोड करें। मैं उन भाई को रिप्लाई भी दे सकता था वहाँ पर, लेकिन कि ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन है, हर एक के मन में होगा या ऐसा तो होगा ही कि कभी ना कभी लॉस्ट हो जाए वो डॉक्यूमेंट। तो देखो ब्रदर, मैं आपको बता दूं, अगर आपका लॉस्ट हो चुका है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपके पास पीडीएफ तो रहेगा ही, ठीक है। अगर पीडीएफ है तो आप निकाल लो दोबारा से, उससे आपको काम चल जाएगा। अगर पीडीएफ भी गुम हो जाए एंड फिजिकल में प्रिंट आउट सर्टिफिकेट वो भी अगर गुम हो जाए तो आपको मैं बता दूँ क्या करना है। देखो, आपके पास टोकन नंबर होगा, एप्लीकेशन आईडी जो नंबर होता है वो आपको मिला होगा, रिसिप्ट जहाँ से आप अप्लाई करें हो, सेतु सेवा केंद्र, ठीक है, वहाँ पर आपको मिला होगा वो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर जिसे बोलते हैं टोकन। आपको सबसे पहले आपने जहाँ से अप्लाई करा था जिस सेतु सेवा केंद्र से वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाके आपको अप्रोच करना है कि मेरा लॉस्ट हो चुका है तो कैसे भी करके मुझे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही बनता है एंड वो आप दोबारा बना नहीं सकते हैं। दोबारा अगर आप बनाने जाओ तो पहले का कैंसिल करना होगा, फिर आपको दोबारा से नया वाला बनेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उससे अच्छा कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाने के बाद उसे बोले हो कि मेरा लॉस्ट हो चुका है तो आप कुछ भी करो मुझे दे दो। अगर वो मना करते हैं तो आप डायरेक्ट जाओ तहसीलदार के पास, वो टोकन नंबर लेके तहसीलदार के पास जाना है, सर मेरा लॉस्ट हो चुका है तो मुझे फिर से दोबारा अपना सर्टिफिकेट चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो बोलेंगे कि ठीक है आपको मैं दे दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो टोकन नंबर था वो आपको चाहिए, आपका आधार कार्ड लेके जाओ, राशन कार्ड लेके जाओ, फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा तो वो आप लेके जा सकते हो, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए वो आप लेके जा सकते हो, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो एंड उसमें जो जो आप दिए थे वो आप लेके जाओ। मैंडेटरी है सब डॉक्यूमेंट वो आप लेके जाओ। अगर एप्लीकेंट 18 साल से कम है तो उनका पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी वगैरह ऐसे, ठीक है। सेतु सेवा केंद्र में वहाँ से ही आपको फिर से रीअप्लाई करने का प्रोसेस बता देंगे, वो आपको करेगा वो प्रोसेस रीअप्लाई एंड 15 दिन का टाइम लगता है, तो 15 दिन के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेट वाला। और मैंने इसलिए खुद से बनाया ताकि अगर मैं फ्यूचर में कभी वो डॉक्यूमेंट गुम कर दूँ, पीडीएफ फाइल जो देते हैं वो भी अगर मैं गुम कर दूँ तो एनी टाइम एनी वेयर मैं वो डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद से अप्लाई करा है, मेरे पास खुद का आईडी है तो मैं खुद डाउनलोड कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।